सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। वालेकुम खवातीन आज़ाद, कैसे हैं आप सब। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ डायहात्सू SE 2007 मॉडल का। ये भी एक डायहात्सू की तरफ से 660 सीसी गाड़ी है जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो आपको मिल जाएंगे इंडी से। हेलोजन लाइट्स इंस्टॉल्ड है और फ्रंट पर आप देखेंगे सारा प्लास्टिक है, नीचे भी प्लास्टिक इनटेक डायहात्सू। फ्रंट बोनेट आपको मैं इसका दिखा रहा हूँ। थोड़ा बहुत अगर आप गौर करें तो डायहात्सू हाई जेट जो इनकी आती है वैन, उस जैसे इसका फ्रंट डिज़ाइन लगता है। साइड पर आ जाएं तो बेसिक इन्होंने आफ्टर मार्केट सुजुकी की व्हील कप्स लगे हुए हैं इस गाड़ी के अंदर और फैल्कर सिंसेरा SH535 का टायर लगा हुआ है। ग्राउंड ग्रेस इज़ गुड। बॉडी कलर साइड डोर मिरर्स हैं और इसके ऊपर आपको इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल नहीं मिलेगा, बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स हैं। और एंट्री के लिए आपको लॉक अनलॉक और ये बेसिक की मिलेगी, स्मार्ट एंट्री नहीं है इसके अंदर। बैक पर आ जाते हैं SE के और ये शेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ये शेप अपील ना करे, बट 660 सीसी सेगमेंट की एक छोटी गाड़ी है तो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कार। सो इसका रिव्यू करते हैं आज। बैक सीट स्पेस भी मैं चेक कर रहा हूँ इसकी SE की। सो नीचे आप देखेंगे बीच कलर में इसके दरवाजे हैं, नीचे आपके पास स्पीकर, फ्लोर मैट, रियर फ्लोर जो है वो बेसिकली आप देखेंगे कि फ्लैट नहीं है। रियर पे दरमियान में जो बंदा है आप एडल्ट नहीं बिठा सकते, बच्चा बिठाएंगे। दो एडल्ट्स के लिए ये ठीक है। सेफ्टी के हवाले से बात की जाए तो आपके पास सीट बेल्ट मौजूद है, बाकी दरवाज़ों में कोई साइड पॉकेट वगैरह भी मौजूद नहीं है। जी डायहात्सू SE 2007 मॉडल के अंदर मैं आ चुका हूँ। टू स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इसका और अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको सामने फ्रंट डैशबोर्ड पर मिलेगा। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखा सकूँ क्योंकि ये धूप की वजह से नज़र नहीं आ रहा। ये आप देखेंगे स्पीडोमीटर है, साथ ही आपका ट्रिप मीटर है जो कि आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। RPM मीटर इसके अंदर मौजूद नहीं है। बेसिक डायहात्सू का इसके अंदर डिस्क प्लेयर है, डिस्क इंसर्ट आप कर सकते हैं। AM/FM मौजूद है। सर्कुलर वेंट्स हैं चार फ्रंट पे, लेफ्ट पे, राइट पे, दो दरमियान में। फ़ैन वगैरह भी हम इसके थोड़ी देर में चेक करते हैं। बाकी ये ट्यूनिंग 3 kg तक का वेट आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। स्पीकर्स, छोटी सी साइड पॉकेट दी गई है आपको। ग्लव बॉक्स स्पेस आपको मैं दिखा रहा हूँ, इट्स गुड, ओके है, ज़्यादा ख़ास नहीं है। और लेफ्ट साइड पर भी आप देखेंगे साइड पॉकेट मौजूद है। ऑटोमेटिक पावर विंडो है ड्राइवर साइड के लिए, बाकी सारी जो है आप सिर्फ ऑटोमेटिक ही हैं, पावर विंडोज़ हैं, ऑटोमेटिक नहीं, यानी कि आपको ऊपर नीचे खुद करना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं जो चीज़ मिसिंग है इसमें, वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स है और दूसरा मिरर एडजस्टमेंट, अब आपको दोनों चीज़ें जो है हाथ से करनी पड़ेंगी। सो सीट्स की बात कर लेते हैं, ये एक फुल सीट है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह नहीं है इसमें। और नीचे बात कर लें तो आपको ये गियर लीवर, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल, आगे थोड़ी सी स्पेस है, आपके चार्जिंग डॉक या सिगरेट लाइटर व्हाटएवर यू कॉल इट ये आपके पास मौजूद है। और विजिबिलिटी इस गाड़ी के अंदर से अच्छी है, आई एम सिटिंग कम्फर्टेबली। हाइट अगर मेरी 6 feet है और मैं काफ़ी कम्फर्टेबल बैठा हूँ। और यहाँ पर भी आपके पास वैनिटी मिरर नहीं है, लेफ़्ट साइड पर भी आपके पास वैनिटी मिरर नहीं है, बेसिक रियर व्यू मिरर आपके पास मौजूद है। सो लेट्स स्टार्ट अप द कार, इसको स्टार्ट करता हूँ। ऐसे आपको एडजस्ट करना है शीशा। मिरर भी ऐसे आपको एडजस्ट करना है। तो स्टीयरिंग जो पहला इंप्रेशन है वो आपको बल्कि भारी महसूस होता है आपको, जिसकी पहली चीज़ है। और सबसे पहले चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। ये ऑडोमीटर आपको बता रहा है माइल्स, साथ आपका फ्यूल गेज मौजूद है, ये ट्रिप ए आपका मौजूद है, ट्रिप बी आपका मौजूद है। सबसे पहले हम इसका स्पीकर टेस्ट कर लेते हैं।
देयर समथिंग टू प्ले इन इट. अब वो जो सीडी प्लेयर है आपके, इसके अंदर आप स्पीकर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं है इसकी. दैट इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट दिस कार के स्पीकर. आप आफ्टर मार्केट रिप्लेस कर सकते हैं. फैन इसका मैं टू पे कर लेता हूँ. लेट्स कूलिंग और मोड इसका अप एंड डाउन. टर्न ऑन द एसी और लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करती है. इतनी देर में हम गियर पैटर्न की तरफ आ जाते हैं. ये इसका रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव. आपके पास एक मैनुअल हैंड ब्रेक मौजूद है. ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीडी प्लेयर के बारे में बता रहा है. सो एक बेसिक कार है 660 cc. कंफर्ट वाइज अगर बात करूँ तो ड्राइवर सीट पे जिस पे अभी मैं बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग कंफर्टेबली. मेरी लेग स्पेस भी ठीक है और हेड स्पेस भी ठीक है और लॉन्ग जर्नीज के लिए मैं कुछ खास तंग नहीं होऊंगा. अलबत्ता कि अगर इसके अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट होता तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन थी कि बड़े हाइट वाले का जब बैक आप लगाते हैं इसके साथ तो रेस्ट में रहनी थी. लेकिन ये एक फुल ऑन सीट है. आफ्टर मार्केट आप सीट रिप्लेस भी करवा सकते हैं. पैसेंजर साइड के लिए आपकी पावर विंडो मौजूद है. फुल पे कर रहा हूँ. बेसिक थ्रो प्रोवाइड कर रही है, ज़्यादा ख़ास भी नहीं है. और या दैट इज़ प्रिटी मच इट फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ Daihatsu SA 2007 मॉडल. इंजन साइड पर मैं आ चुका हूँ Daihatsu SA की 660 cc इंजन के साथ आती है, जो कि माइलेज की बात करें तो अराउंड 17+ किलोमीटर्स आपको प्रोवाइड करती है गाड़ी. बोलता है कि बैटरी इंस्टॉल्ड है एंड कंपोनेंट्स की एक लुक आपको मैं दिखा रहा हूँ क्लोजली. थोड़ा सा बैक से भी दिखा दूँ. Daihatsu SA का अभी ट्रंक स्पेस मैं चेक कर रहा हूँ. अब 660 cc के लिहाज से बात की जाए तो ट्रंक स्पेस इज़ इनफ. थोड़ा बहुत आप लगेज वगैरह स्टोर कर सकते हैं इसमें. बाई लगेज आई मीन आप अपने बैग्स वगैरह रख सकते हैं. स्पेयर टायर मौजूद है. टूल्स आर डाउन देयर. सम पॉलिश पैक्स. और थोड़ा पीछे से आपको दिखाऊं. आई होप आपको Daihatsu SA 2007 मॉडल का रिव्यू पसंद आया होगा. इस गाड़ी की प्राइस है 7,75,000. ये गाड़ी आपको जीनन मर्गिस जापान मोटर से मिल सकती है. सो यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड चेक इट आउट. और इस गाड़ी की अंदर बाहर से डिटेल पिक्चर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर दूंगा. टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट. कंसिस्टेंट वीडियोस आ रही हैं. ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके जो इन गाड़ियों को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं. साथ ही साथ मैं स्पेयर पार्ट की वीडियोस भी कंटिन्यू कर रखूँगा. मेरा बहुत सारा ख्याल रखिएगा. जाने से पहले आपको थ्रॉटल रिस्पॉन्स का मैं सुना देता हूँ. ये आपकी हेडलाइट एडजस्टमेंट है जो कि आप हाई बीम ये एडजस्ट करते हैं इसकी इंटेंसिटी को. ट्विटर्स आपके पास बाकायदा मौजूद हैं. अल्लाह हाफिज़. सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके.